गुड मॉर्निंग। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, जिसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की हम बात करते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक मेथड जो कि इम्प्लॉय की जाती है किसी भी टाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में, जो एंड पॉइंट मिलता है उसको निकालने के लिए, और एंड पॉइंट ही एक्यूरेट पॉइंट होता है जिससे हम उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में चार तरीके का टाइट्रेशन हम इम्प्लॉय करते हैं, और एक फिफ्थ तरीके का टाइट्रेशन होता है जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम नाम देते हैं। लेकिन सबसे पहले टाइट्रेशन करने से पहले हम इनके शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। टाइट्रेशन एक इस तरीके की मेथड है जिस मेथड में हम अननोन कंसेंट्रेशन को नोन कंसेंट्रेशन की मदद से इवेल्युएट करते हैं। टाइट्रेशन बेसिकली अननोन कंसेंट्रेशन की कंसेंट्रेशन को अननोन कंसेंट्रेशन को निकालने के लिए एक इम्प्लॉयड मेथड है। चार पांच कैटेगरी की हमारे पास वे हैं, और चार पांच कैटेगरी के न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन हैं। न्यूट्रल पॉइंट हम निकालना है। पहला, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के रेस्पेक्ट में हम उसके अगेंस्ट अगर टाइट्रेट करें तो किस तरीके से हम टाइट्रेट करते हैं, और दूसरा हमारा कैटेगरी है वीक एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग एल्केली। तीसरी कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज वीक बेस, वीक एसिड वर्सेज वीक बेस, एंड फाइनल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेथड कैसे इम्प्लॉय की जाती है और कैसे इसका इवोल्यूशन किया जाता है। तो टाइट्रेशन में हम जानते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक बीकर होता है। उस बीकर में अननोन कंसेंट्रेशन ले ली जाती है, और उस कंसेंट्रेशन, मान लेते हैं हमारे पास पहला स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास अननोन है, मान लेते हैं हमने एग्जांपल लिया है HCl, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl हमने अननोन सॉल्यूशन लिया इसका, और हम उसको उसका वैल्यू वॉल्यूम ले सकते हैं। मान लेते हैं हमने इसका 20 ml ले लिया, 20 ml बीकर में हमने लिया, और बीकर में हमने HCl को ऐड किया, और इसी बीकर में हम ब्यूरेट से नोन सॉल्यूशन का हम न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट निकाल लें, तो हम ब्यूरेट से इसमें बेस ऐड करेंगे। हम इस ब्यूरेट की मदद से सॉल्यूशन में बेस ऐड करेंगे, अब बेस ऐड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन होनी शुरू होगी, और वो केमिकल रिएक्शन क्या होगी उसको मेजर करने के लिए, इसकी कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हम इसके अंदर एक कंडक्टोमेट्रिक सेल ऐड कर देंगे, और कंडक्टोमेट्रिक सेल इस पूरे सिस्टम का कंडक्टिविटी निकाल के मेजर करके हमें बताएगा। ये हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हम जैसे ही इसमें ड्रॉप ऐड करते हैं NaOH की, तो ये रीड करना शुरू करता है, और हमें यहाँ पे इसका कंडक्टिविटी फ्लैश हो जाती है। पहली मेथड हमारे पास है, पहला अगर टाइट्रेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास एग्जांपल HCl, HCl जब ब्रेक डाउन होगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकलेगा, NaOH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। व्हेन वी विल ऐड NaOH, NaOH HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दो आयन मिलेंगे, और बाकी वाटर के टर्म्स में वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज होने के बाद Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव दो आयन सॉल्यूशन में रहेंगे। इनिशियली होता क्या है, जब हम NaOH को ऐड करते हैं, हम इसको 1 by 1 ml से लेके इंक्रीमेंट करना शुरू करते हैं। पहले NaOH हमने 1 ml लिया, इसकी रीडिंग नोट की कंडक्टिविटी से हमने इसकी कंडक्टिविटी मेजर कर लिया, फिर हमने 2 ml नोट किया, तब जाके 1 by 1 हम इसकी इंक्रीमेंट करते हैं और इसकी कंडक्टिविटी मीटर से मेजरमेंट कर लेते हैं। और जब हमारे पास सब वैल्यूज मिल जाती हैं तो हम इसको प्लॉट करते हैं, और प्लॉट में हम वॉल्यूम ऑफ एल्कली, यानी हमारे पास NaOH है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड एंड वर्सेस द कंडक्टिविटी, इसको प्लॉट करते हैं। तो जो प्लॉट किया जाता है, इनिशियली नंबर ऑफ आयंस, जो चार आयंस हमारे पास दिख रहे हैं उसमें
कमी आती है। जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं एल्कली का, उसकी कंडक्टिविटी कम होती जाती है, और उसकी कंडक्टिविटी कम हो गई एक पॉइंट के बाद कंडक्टिविटी इंक्रीमेंट शुरू हो जाता है, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन होता है वो पॉइंट हम वॉल्यूम ऑफ एल्कली नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट एंड पॉइंट कहलाता है, और इस एंड पॉइंट पर का जो मेजरमेंट है वो हमें बताता है कि HCl को न्यूट्रलाइज होने में कितना वॉल्यूम NaOH का लगा, और जिसकी मदद से हम आसानी से उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, मेथड क्या है। हमारे पास बीकर है, बीकर में HCl लिया गया है, हम उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 ml HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH रिक्वायर्ड होगा। तो उसको हम कंडक्टिविटी मीटर से मीजर कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो HCl का है इसमें हम ऐड कर रहे हैं Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और जैसे ही हम ऐड करते हैं धीरे धीरे ऐड करते हैं NaOH को, नंबर ऑफ आयंस कम होने शुरू होते हैं, और कम होने के बाद की टेंडेंसी की वजह से इसकी वैल्यू डाउन चली जाती है। लेकिन एक समय आता है जब ये HCl NaOH को कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज करने के बाद जो कि वाटर के टर्म्स में न्यूट्रलाइजेशन हो गया, और न्यूट्रलाइज होने के बाद NaOH की क्वांटिटी बढ़ते जाती है, और जैसे ही इसकी क्वांटिटी बढ़ती है नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने के साथ साथ कंडक्टिविटी का जो ग्राफ है वो बढ़ते जाता है, और इन दोनों ग्राफ के बीच का जो इंटरसेक्शन है या इन दोनों ग्राफ के बीच का जो पॉइंट है जहाँ से जहाँ पर सडन चेंज हमें दिखता है वो चेंज एंड पॉइंट कहलाता है, और इन दोनों के ग्राफ के माध्यम से हम एंड पॉइंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज वन मेथड, दिस इज वन वे जिसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट कर सकते हैं। पहली बात हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट। दूसरे सेक्शन में मेथड हम वही इंप्लॉय कर रहे हैं, वही मेथड हम यूज करते हैं, लेकिन हमने एसिड लिया वीक एसिड, इसको हम स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ टाइट्रेट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग एल्कली हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कली की न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को हम कंडक्टोमेट्रिक मेथड से बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर NaOH को फिर ऐड करते हैं, अब CH3COOH HCl की जगह पे हम CH3COOH लेना शुरू करते हैं। हम जानते हैं CH3COOH आसानी से डिसोसिएट नहीं होता क्योंकि ये वीक एसिड है, तो जब इसका ट्रीटमेंट Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव के साथ किया जाता है तब न्यूट्रलाइजेशन शुरू होता है, और हमें CH3CO नेगेटिव एसिटेट आयन मिलता है, और सोडियम आयन और वाटर दोनों चीज़ें हमें मिल जाती हैं। इस कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो ग्राफ हमें मिलता है वो ग्राफ हमें इस तरीके से मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हम एल्कली ऐड करते हैं, हमने वॉल्यूम यूज किया, वॉल्यूम ऑफ एल्कली यानी NaOH का वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू इट प्लॉटेड विद रेस्पेक्ट टू द कंडक्टिविटी मेजर्ड, और इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो पहले इसका कंडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि इसका डिसोसिएशन बढ़ता है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, और एक पॉइंट के बाद इसका इंक्रीमेंट सडन हो जाता है। तो ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट, जिस पॉइंट पर सडन चेंज आता है वही पॉइंट इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हुआ, यानी स्ट्रॉन्ग एल्कली और वीक एसिड को जब मिलाएंगे तो एक पॉइंट के बाद इसका न्यूट्रलाइजेशन शुरू होगा, और न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट ही एंड पॉइंट हम कंडक्टोमेट्रिक मेथड से बाय प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ एल्कली और कंडक्टिविटी के बीच में जब प्लॉट करें तब इजिली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को हम लेते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इजीली न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस मेथड को लेते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन को। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में HCl और NH4OH जो दोनों हैं उनको लिया जाता है, CH3COOH की जगह पे हम ले लेंगे HCl, कंडीशन वही हम ऐड करते हैं NaOH की जगह NH4OH। अब धीरे धीरे NH4OH के 1 ml, 2 ml, 3 ml ऐड किए जाते हैं, कंडक्टिविटी नोट की जाती है, और इनकी कंडक्टिविटी को फिर हम प्लॉट करते हैं। जब इसका प्लॉटिंग की जाती है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन हमारे पास Cl का सॉल्यूशन है क्योंकि इजिली डिसोशिएट हो जाता है, तो इसको हम इजिली आयन के फॉर्म में लिख सकते हैं। NH4OH वीक बेस है तो ये डिसोशिएट तब होता है जब ये इजिली रिएक्शन कर पाता है,
और ये रिएक्शन करेगा तो OH H के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमारे आयन में सॉल्यूशन में मिले। तो इसी कंडीशन में क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, नंबर ऑफ आयंस फ्री हैं ऑलरेडी, तो उसकी कंडक्टिविटी कम होती जाती है क्योंकि जो फ्री आयंस हैं वो फ्री आयन धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो कम होते जाते हैं तो कंडक्टिविटी और वॉल्यूम ऑफ NH4OH के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो ग्राफ इनिशियली डिक्रीज करता है, सबसे कम कम की तरफ पड़ता है क्योंकि फ्री आयंस कम होने लगते हैं और न्यूट्रलाइजेशन के बाद सडन चेंज आता है और वो ग्राफ में कंडक्टिविटी बढ़ते जाती है। कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस के ऊपर, नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी कम होगी, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इस कंसेप्ट को जब मेजर किया जाता है तो आसानी से हम इसको समझ पाते हैं और ये पॉइंट इसका एंड पॉइंट कहलाएगा और वह एंड पॉइंट आसानी से हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को बता देता है। इसके बाद हम बात करते हैं वीक एसिड वर्सेस अगेंस्ट वीक बेस। वीक बेस और वीक एसिड में हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट हमारे पास इस तरीके से होता है, डिसोसिएशन बढ़ते जाता है, डिसोसिएशन बढ़ते जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। हम वॉल्यूम ऑफ NH4OH वर्सेस कंडक्टिविटी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो CH3COOH धीरे धीरे डिसोशिएट होता है, नंबर ऑफ आयन सॉल्यूशन में बढ़ते जाते हैं, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाती है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट द कंडक्टिविटी गेट डिक्रीजेस बिकॉज द न्यूट्रलाइजेशन गेट स्टार्टेड। न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद फिर तक इस कंडक्टिविटी ग्राफ फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। एंड कंडक्टिवेट्रिक टाइट्रेशन में द लास्ट वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम खासतौर पर सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं। सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट बनता है। उस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम एंड पॉइंट निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पे वह प्रेसिपिटेट होगा। उस प्रेसिपिटेशन पॉइंट को कंडक्टिविटी मेथड से, कंडक्टिविटी टाइट्रेशन की मेथड से आसानी से इवैल्यूएट किया जा सकता है जब हम वॉल्यूम ऑफ KCl और कंडक्टिविटी के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। मेथड वही इंप्लॉयड, ब्यूरेट लिया, ब्यूरेट में हमने KCl सॉल्यूशन ऐड किया और बीकर में हमने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड किया और इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टोमेट्रिक सेल से कंडक्टिविटी इजीली मेजर कर ली। तो जब NaAgNO3 में KCl ऐड किया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू होता है। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब इसके नंबर ऑफ आयंस धीरे 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 करके कम होते हैं। नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी स्लाइटली डिक्रीज करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, लगभग कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद कंडक्टिविटी सडन बढ़ जाती है, वो पॉइंट एंड पॉइंट है और इस पॉइंट पे कंडक्टिविटी इंक्रीज कर मतलब ये है, उसका कारण ये है कि जितना एजी पॉजिटिव है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है एजी सीएल में। तो प्रेसिपिटेशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड देन द वॉल्यूमेट्रिक दिस कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेस। तो ये पांच तरीके हैं जिन जो तरीके कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से आसानी से निकाले जा सकते हैं, जिनका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट एंड पॉइंट आसानी से इनकी मदद से निकाला जाता है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन इजिली कलर्ड सॉल्यूशन की एंड पॉइंट नहीं बता पाता क्योंकि वहां पर अभी तक इस तरीके कोई इंडिकेटर नहीं बना जो कि आसानी से कलर के बारे में, कलर्ड सॉल्यूशन के बारे में हमें उसका एंड पॉइंट बता दे। बट कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड है जो आसानी से कलर्ड सॉल्यूशन की एंड पॉइंट को बता देता है क्योंकि हमें इसके कलर से हमें कुछ बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसकी कंडक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना है और कंडक्टिविटी को प्लॉट करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है वॉल्यूम ऑफ एल्केली के साथ। जब हम वॉल्यूम ऑफ एल्केली के साथ इसको प्लॉट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हमें हमारे सामने आते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंडिंग ऑन द
कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, तो उस कंडक्टिविटी के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से हम एंड पॉइंट निकाल सकते हैं. एंड पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू ग्राफ्स, और समटाइम्स हम ये कह सकते हैं जहाँ पर सडन चेंज आता है वो एंड पॉइंट है, या हम ये कह सकते हैं वो एंड पॉइंट ही उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट है, कि जहाँ पर वो न्यूट्रलाइज होते हैं. एंड दिस मैथड इज वेरी गुड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वे. स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिस्पेक्ट में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग अल्कली के रिस्पेक्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिस्पेक्ट में, वीक एसिड और वीक बेस के रिस्पेक्ट में, एंड इन केस एज वेल एज इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड वेरी कंफर्टेबली. अब हम ओस्टवाल्ड के डाइल्यूशन लॉ को यहाँ समझते हैं, क्योंकि ओस्टवाल्ड केस को समझना ज़रूरी इस बात से बन जाता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में जब कन्वर्ट होता है तो उस आयंस के कन्वर्जन के बाद जो कंसेप्ट बना वो कंसेप्ट दिया गया ओस्टवाल्ड द्वारा, यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करने पर वह अपने आयंस में टूट जाता है, तो वह प्रोसेस ओस्टवाल्ड ने बताई और उसको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं. आयंस टूटेगा तभी उसकी कंडक्टिविटी का मेजरमेंट हम आसानी से कर पाएंगे. मान लेते हैं कोई भी हमारे पास ए बी इलेक्ट्रोलाइट था, जब इसको हमने डाइल्यूट किया तो ये ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव दो आयंस में डिसोशिएट होगा. हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे डिसोशिएट, और डिसोशिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टर्म्स कन्वर्टेड इनटू ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव. लेट अस सपोज इट वॉज वन. ओवरऑल हम इसको अगर इसको कैलकुलेशन करना चाहें हम इसको वन मान लेते, बिफोर डिसोशिएशन इट वॉज जीरो, कोई भी डिसोशिएशन नहीं हुआ था. और फाइनली अगर थोड़ा और ध्यान दें, अगर इसमें हमने कहा कि अल्फा अमाउंट का इसका डिसोसिएशन हुआ तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा निकल गया तो इसमें से 1 माइनस अल्फा हम कर सकते हैं. हम इसको डिवाइडेड बाय वी बोलें तो ये इसकी कंसेंट्रेशन को हमें बताता है कि भाई कितना मोल पर लीटर वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कितना डिसोसिएशन हुआ, मीन्स दिस इज द कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन हमें मिली. अब हम इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन का अगर यूज करें, लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं. और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के साथ साथ अगर हमें इक्विलिब्रियम जो बना हुआ है इसका निकालें तो हमें मिलेगा लॉ ऑफ मास एक्शन निकाल बना के द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम बोलेंगे डिसोसिएशन के, मान लेते हैं K1 बोलते हैं हम इसको डिसोसिएशन के लिए और K2 बोलते हैं एसोसिएशन के लिए. तो लॉ ऑफ इसको हम बोल सकते हैं K1 इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं. या हम सिंपली इसको लॉ ऑफ मास एक्शन लगा लें तो हम आसानी से ये भी लिख सकते हैं. दो तरीके हैं इसके हैं, तो K1 अपॉन K2 के माध्यम से भी हम पूरा इसका निकाल सकते हैं दो तीन मेथड से. लेकिन हम इसको अगर सिंपली K1 डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ एसोसिएशन का रेशियो निकालें तब भी हम इसको आसानी से बना सकते हैं. तो के इक्वल्स टू मिला कंसेंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ए की, हमें ए पॉजिटिव वैल्यू इसका हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी यूज किया हुआ है, तो लेकिन हम इसमें इंडिविजुअली अगर सॉल्व आउट करने की कोशिश करें हमें मिलेगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इनटू वी. ये वैल्यू हमें मिली किसके लिए, के लिए. इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कांस्टेंट, डिग्री कॉस्ट इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट या आयनिक इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और या आयंस में कन्वर्ट होता है तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी इसके लिए हम नॉर्म यूज करेंगे. मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो, देन इट कन्वर्ट्स अल्फा अपॉन वी, और 1 अपॉन वी हम जानते हैं ये सी के इक्वल होता है, तो हम अल्फा इक्वल्स टू निकाल सकते हैं के इंटू वी. ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ा वैल्यू चेंज करेंगे अल्फा स्क्वायर आएगा, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू के वी. तो अल्फा हम बोलते हैं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड रूट ऑफ वी. अब इसका क्या मतलब हुआ,
यानी इस इक्वेशन से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है यहाँ पे k टू कांस्टेंट क्वांटिटी है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनवर्स ऑफ, या इसको बोलते हैं रूट स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उस वॉल्यूम के रूट स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। दिस इज द रिलेशन, दिस रिलेशन इज बीन एम्प्लॉयड एंड कैलकुलेटेड बाय ओस्टरवाल्ड, इसलिए इसको ओस्टरवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी हम बोलते हैं। और अल्फा नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्हेन वी कैप्ट द आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीसाइड, अगर हमने इसको हटा दिया हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर एनी सो इलेक्ट्रोलाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम। अगर इसका कंसेंट्रेशन बोलते हैं हम जानते हैं कंसेंट्रेशन इज ऑलवेज रेसिप्रोकल टू द वॉल्यूम, तो कंसेंट्रेशन के टर्म्स में भी हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। हियर वी हैव अ क्वेश्चन, क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस बोर्ड। क्वेश्चन सेज दैट वी नीड टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इन 1 एम एक्वस सॉल्यूशन। हमारे पास कंसेंट्रेशन दी गई है, द वैल्यू ऑफ के फॉर द आयनिक इक्विलिब्रियम इज दिस 7.2 × 10⁻⁴। अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें हम तो हमारे पास सॉल्यूशन बड़ी आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि k की वैल्यू दी गई है हमें अल्फा निकालना है, k की वैल्यू दी गई है हमें अल्फा निकालना है, हमारे पास वॉल्यूम हमें देखना है, या हमारे पास वॉल्यूम नहीं तो हमारे पास कंसंट्रेशन दी गई। अगर कंसंट्रेशन हमारे पास है वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या हमें मिलता है। हमारे पास है HF, हम जानते हैं कि HF जब डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएशन के बाद H प्लस प्लस F नेगेटिव हमें मिलता है और HF का डिसोसिएशन आसानी से दो आयंस में मिल गया, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम, या जिसको हम आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, आयनिक कांस्टेंट, तो वो क्या निकलेगा, K इक्वल्स टू H पॉजिटिव F नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HF। अब इनकी कंसंट्रेशन हमें इसमें पुट करनी है, अगर हम पुट नहीं कर रहे हैं तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। मान लो ये था 1 - अल्फा, ये था अल्फा, ये भी अल्फा था, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कंसंट्रेशन मिल जाएगी, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे K इक्वल टू अल्फा अपॉन V, this is also alpha upon v into divided by alpha 1 - अल्फा upon v। finally हमें मिल जाता है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा into v। तो और अगर हम ये मानते हैं कि 1 - अल्फा is now equivalent to 1, तो k becomes alpha square upon v, तो alpha square हमारे पास भी की जगह पे हम अगर c बोल दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा k अप इनटू v बोलते हैं तो v को हम लिखते हैं c, तो k अपॉन c, c की वैल्यू हम जानते हैं 1 मोल है, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू की अपने आप में ही c अपने आप में ही बना रहा, अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू नाउ k, तो अल्फा स्क्वायर में हमें अल्फा निकालना है, k की वैल्यू हमारे पास है 7.2 × 10⁻⁴। तो अल्फा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अगर इसका इंटीग्रेशन किया ये दैट रूट निकाला जाए तो रूट निकालने के बाद इसकी वैल्यू जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी 2.7 × 10⁻²। माइनस टू का मतलब अगर हम इसको पॉइंट पर देखें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना डिसोसिएट होगा, इसको देखते हैं 0.027। बहुत कम डिसोसिएशन है। HF इतना डिसोसिएट हुआ जब उसकी आयनिक इक्विलिब्रियम की वैल्यू 7.2 × 10⁻⁴ रही। नाउ हम समझते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। ये जो टर्म सॉल्युबिलिटी का जो टर्म है ये किसी भी सब्सटेंस का डिसोल्यूशन और डाइल्यूशन के ऊपर निर्भर करता है। सॉल्युबिलिटी, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एनी स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, हमारे पास AgCl है
स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं इसको हम, सॉल्युबल कम होता है, एजी पॉजिटिव प्लस सीएल नेगेटिव। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे है, अगर एक कॉमन भाषा में हम समझने की कोशिश करें सॉल्युबिलिटी का क्या है, एक निश्चित तापमान पर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे, अगर कोई कोई फिक्स टेम्परेचर है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बोलते हैं कि द डिजोल्यूशन कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के घुलने की जो क्षमता है उसको हम सिंपल से नाम से सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। और जैसे जैसे तापमान टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ इसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ते जाती है। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हम चीनी घोलें इसमें तो चीनी एक तापमान पर निश्चित घुलेगी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो चीनी के घुलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ AgCl। तो AgCl जब घुलता है तो इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। इस इक्विलिब्रियम में AgCl और Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, तो उसको हम आसानी से समझ पाते हैं कि इसके लिए वैल्यू हमें क्या मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू क्या मिलेगी। हम अगर इसका लॉ ऑफ मास एक्शन का यूज करते हुए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, अभी हम इसको वर्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल रहे हैं, कि क्या निकलेगा, तो वो है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। नाउ व्हेन दिस k कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय AgCl, अब इस AgCl की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ चेंज नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि जब इक्विलिब्रियम रहेगा कंसंट्रेशन AgCl की जितनी है वो उतनी ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं आना है। समय के साथ साथ विद टाइम इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दैट्स वाई दिस ओवरऑल क्वान्टिटी इज बीन रिप्लेस्ड बाई KSP, और ये क्या हमारे पास मिलती है Ag प्लस Cl नेगेटिव। हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज कर दिया SP, S इज द बेसिकली टर्म इंडिकेटेड फॉर द सॉल्युबिलिटी, P फॉर द प्रोडक्ट। KSP मींस इट इज नाउ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो किसी भी स्पारिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए हम KSP आसानी से निकाल सकते हैं। मान के चले किसी भी, खासतौर पर AgCl की बात करते हैं, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है और Cl नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी S है तो KSP हमें मिल जाएगा S स्क्वायर। यानी अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं इट इज द अंडर रूट ऑफ KSP। नाउ इसको इसकी बेसिस पर डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन मेन इसकी डेफिनेशन अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, द एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द बिहेवियर ऑफ एनी सब्सटेंस विद वाटर इज फिक्स, मींस एक निश्चित तापमान पे जिसका घुलना मिनिमम रहता है, जो घुलता है वो उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोली जाती है, और यहाँ पे उसको हम S से इंडिकेट करते हैं। ये यूनि यूनिवेलेंट आयन के लिए और जो हमारे पास कंपाउंड है उसके लिए निकाला जाता है। S इज नाउ रूट ऑफ KSP। नाउ वी हैव द नेक्स्ट, जिसमें हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं और क्या होता है यूनि बाईवेलेंट आयन में, के एस पी और एस के बीच में क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ए टू बी टाइप का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, तो जब डिसोशिएट होगा ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए पॉजिटिव प्लस बी टू नेगेटिव, न्यूट्रलाइजेशन, इसका चार्ज भी न्यूट्रलाइज हो गया। तो के एस पी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर दिस इक्वेशन विल बिकम ए प्लस स्क्वायर इंटू बी टू नेगेटिव, और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है ट्वाइस ऑफ एस, इसकी सॉल्युबिलिटी सिंपली एस। When we will put now अब ये 2s को इसकी concentration हम बोलेंगे, तो 2s square b हमारे पास है s, तो हमें मिल गया 4s cube, KSP equal to 4s cube। For this kind of electrolyte by univalent ion the KSP is equal to 4s cube। तो आप देख सकते हैं s equal to आपको मिल जाएगा 1 upon 4 cube root of KSP। ए बी सी के अंदर चला जाएगा, ये डिवाइड में आ गया तो ए बी सी के अंदर चला गया डिवाइडेड बाय 4। तो एस को अलग अलग तरीके से, यानी सॉल्युबिलिटी को, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें पता है उसको अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। तो हमारे पास एस की वैल्यू इजीली रूट क्यूब, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं
थ्री हमारे हमने लिख लिया क्यू रूट के एस पी डिवाइडेड बाई फोर। अब इसको कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हमारे पास के एस पी की वैल्यू हो। और साथ साथ में अब इसके दो तरीके से हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन प्रेसिपिटेशन में होगा या कोई सॉल्यूशन सेचुरेशन में होगा या कोई सॉल्यूशन सिंपली प्रेसिपिटेट नहीं बना पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट और दूसरा हमारे पास है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दोनों में डिफरेंस या दोनों की वैल्यू अगर हम Q से इंडिकेट करें आयनिक प्रोडक्ट, सोल्युबल प्रोडक्ट को Ksp से इंडिकेट करें, तो दोनों की वैल्यू के ऊपर हम कह सकते हैं कि कौन सी वैल्यू कब सॉल्यूशन कब सब्सटेंस प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेशन देगा और कब ये सैचुरेट होगा। K इक्वल्स मे बी Q मे बी ग्रेटर देन Ksp, Q मे बी इक्वल टू Ksp एंड Q मे बी smaller than Ksp। जब तीन चीज हमारे पास मिली, तीन कंडीशन अराइज हो सकती हैं। जब दो चीजें हमारे पास हैं, आयनिक प्रोडक्ट क्या है, सिंपली आयनिक प्रोडक्ट है, अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, A पॉजिटिव इसी को देख लेते हैं, B2 नेगेटिव इज द सिंपली आयनिक प्रोडक्ट बट इट इज ऑल्सो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों कंडीशन में। लेकिन अब इनकी कंसेंट्रेशन कम अगर कम ज्यादा हो, तीन केसेस अराइज होते हैं, क्यू की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन Ksp, Q की वैल्यू इक्वल टू है Ksp के और Q की वैल्यू स्मॉलर देन Ksp के। एक कंडीशन में सैचुरेशन होगा, एक कंडीशन में प्रेसिपिटेशन होगा और एक कंडीशन में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। पहली वाली कंडीशन हमारे पास आती है तो इसमें होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन विल अकर। दूसरे केस में इट इज नाउ सैचुरेटेड, जब दोनों की वैल्यू बराबर होते सैचुरेशन सॉल्यूशन सैचुरेटेड सैचुरेट हो जाएगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन आ गया। जब क्यू की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि आयंस का प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया, अगर आयन का प्रोडक्ट कम होगा तो नो प्रेसिपिटेशन विल अकर, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तीन केसेस हमारे पास अराइज हुए ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द आयन एज वेल एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। वी हैव थ्री कंडीशंस, थ्री कंडीशन में हमने आसानी से समझा कहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, कहाँ पे सैचुरेशन होगा और कहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा। अगर हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो इसको आसानी से हम क्वेश्चन के बेस पर समझ सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, क्वेश्चन बोलता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट, एक सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी और वो सॉल्ट टाइप है ए बी टू, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ए टू बी, उसको भी सही तरीके सेम तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑफ टाइप ए बी टू विद मोलर मास ऑफ 72 इन वाटर इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 ग्राम पर लीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इट्स सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हमारे पास क्वेश्चन है कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है आपको, आपके पास सॉल्ट दिया हुआ है, सॉल्ट का मोलर मास दिया हुआ है और साथ साथ में उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी दी गई है। तो जब हमारे पास सब वैल्यूज हैं तो हम उसे कैसे निकालें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अब ये देखते हैं। और इसमें बेसिक कंसेप्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो बड़ी आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। पहला कंसेप्ट, हमें इसको डिसोसिएशन दिखाना है और डिसोसिएशन दिखाने के बाद पहले हमें सॉल्ट समझना होगा और सॉल्ट क्या है ये भी हम जानते हैं। वी आर हैविंग सॉल्ट ए बी टू, ए बी टू जब डिसोसिएट होगा तो ये बनेगा ए टू पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ बी नेगेटिव, हमने यहाँ पे टू पॉजिटिव इसलिए बोला और क्योंकि यहाँ पे टू नेगेटिव बन जाएगा, दो बी हैं तो दो नेगेटिव टू पॉजिटिव दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने यहाँ पे टू पॉजिटिव लिखा है। ए टू पॉजिटिव प्लस बी टू बी नेगेटिव, इसके लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। हमारे पास जो कंसेप्ट है कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू पॉजिटिव और कंसेंट्रेशन ऑफ बी नेगेटिव का स्क्वायर, हम 2b नहीं लिखेंगे, हम उसको b का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन का कंसेप्ट है, रेट ऑफ डिसोसिएशन का कंसेप्ट है कि द कंसेंट्रेशन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर एंड इफ देयर इज एनी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोई भी अगर यहाँ पे गुणांक होता है वह उसकी पावर में चला जाएगा, दैट विल रेज टू द पावर ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द टर्म। नाउ वी हैव Ksp और अगर Ksp हमारे पास ये है, अगर हम इसकी कंसेंट इसकी सॉल्युबिलिटी S मानते हैं तो हमारे पास S की साथ साथ इसकी वैल्यू है, लेकिन
क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान दें, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसका मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास ग्राम पर लीटर, और मोलर मास ये जो वैल्यू हमारे पास है, अगर कंसेंट्रेशन हम निकालने की कोशिश करें तो कंसेंट्रेशन विल बी दी सॉल्युबिलिटी डिवाइडेड बाय द मोलर मास, तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और हमें पहले इसका एस निकालना है, यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें इसको, पहले को कैलकुलेट कर लेते हैं, एस इंटू ट्वाइस एस, ये ट्वाइस एस आएगा, ट्वाइस एस का स्क्वायर, तो हमें मिल गया यहाँ पे 4s³, और 4s³ मिला। हम अब s की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, s हमारे पास मिल गया 1.6 × 10⁻², डिवाइडेड बाई मोलर मास 78, आई थिंक इट विल कम इनटू 2.05 × 10⁻⁴। इफ वी विल पुट दिस वैल्यू ksp विल बिकम 4 × ³ ऑफ दिस वैल्यू 2.05 × 10⁻⁴ क्यूब, एंड आफ्टर द कैलकुलेशन इट कम्स 3.44 × 10⁻¹1। दिस इज द वे व्हाई एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एक तरीका है, सिंपल तरीका, और हमारे पास क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने आसानी से निकाल लिया। थोड़ा सा कंसेप्ट बस यहाँ पे ध्यान रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी सॉल्ट होता है वो कैसे डिसोशिएट होगा, और उसमें हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किस तरीके से लेंगे। हम कोई भी एग्जांपल दें, अगर हमारे पास A2 या A4B है, एनीथिंग कैन हैपन, या A2B3, लेट्स सी इसका कैसे निकलेगा। A2B3 है हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे क्या, ट्वाइस ऑफ A3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ B2 नेगेटिव। नाउ ये समझना जरूरी है, हाउ इट डिसोसिएटेड, इसकी जो वैल्यू है ये इसके पावर में चली जाएगी, ये जो वैल्यू है ये इसके पावर में चली जाएगी, और जो दो तो है ही, 2A3 पॉजिटिव प्लस 3B2 नेगेटिव। अगर हम इसके लिए निकालना चाहें KSP, ये थोड़ा एक अलग केस है, इसको निकाल के देख लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी। इसके लिए निकाल लेंगे तो हमारे पास S ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ S, इसको लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ S। K सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर दिस इक्वेशन इज व्हाट, A3 पॉजिटिव का स्क्वायर B2 नेगेटिव का क्यूब। A पॉजिटिव कंसंट्रेशन ट्वाइस ऑफ S स्क्वायर और थ्राइस ऑफ S का क्यूब। देखिए थोड़ा चेंज आ गया, हमें सिर्फ सॉल्ट के डिसोसिएशन को समझना है और इनकी सॉल्युबिलिटी के टर्म्स को समझना है। तो हमें वैल्यू मिल गई 4s² × इसको हम क्यूब कर रहे हैं 27 × s³, एंड इफ यू मल्टीप्लाई ये आएगा 10 108 s³ यहाँ जुड़ जाएंगी 108 × s⁵ ksp। दिस इज द वे, और अगर हमारे पास सॉल्ट A2B2 की जगह पे A2B3 होता तो हम S की वैल्यू पुट करते हैं, वी विल कैलकुलेट दी KSP। दिस इज द सिंपल मेथड एंड बाय विच वी कैन इजीली फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी एंड एज वेल एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इफ यू वांट हैव मोर क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस ईमेल आईडी। वी कैन कम विद सॉल्यूशन विद दिस ईमेल आईडी।